कोचे भी थे कुछ नहीं किए थे हम लोग को। 10 बजे रात में पता चला, मोबाइल में देखे तब हम लोग को पता चला। चाचा उनके साथ 4-5 लड़का मिल के गलत भी किया है मकई खेत में। हाँ, वो पुलिस के साथ साथ जब जहाँ जो पुलिस जांच में भेजा था ना, साथ में पति पत्नी दोनों रहा करता था, जैसे सब दिन रहती थी उसी तरह से रहता था। जो है पत्नी को ले जाता है और 4-5 लड़के को बुलाता है, उनके साथ गलत करता है, फिर उसको ऐसे करके मारता है कि शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते। और एक पति को इतना प्यार का बुखार चढ़ता है कि वो अपने ही पत्नी को इस दुनिया से उठा देता है। इतना प्यार का बुखार चढ़ता है, इतना भूखा होता है और पत्नी को बहला के फुसला के मकई खेत में ले जाता है कि चलो हम तुमको खरीद देंगे, रमजान का महीना चल रहा है कि कपड़ा और खरीद देंगे, दवाई खरीद देंगे, मेरे साथ चलो। और लेके जाता है और मकई के खेत में उसके साथ जो करता है वो ना ही बोल सकते हैं हम, ना ही दिखा सकते हैं। चलिए इनके पापा जी हैं, उनसे पूछते हैं क्या हुआ था अंकल। कुछ नहीं हुआ था उसके साथ में, पति पत्नी दोनों रहा करता था, जैसे सब दिन रहती थी उसी तरह से रहता था। उसके बाद जब वो रहने लगे यहाँ पर तो हम चलो कुछ बुला के लड़का के हम घर नहीं जाएंगे, तो वो यहाँ रह रही थी। तो उसके बाद यहाँ पर जब रहने लगे थे सब तो अपना मियां बीवी दोनों मिल के। आपका दामाद जो है उनके साथ इतना बड़ा घटना किया है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है कि बोल नहीं सकते हैं हम लोग कि उसके साथ इतना बड़ा दरिंदगी किया है। हाँ, उसके साथ को दरिंदगी किया गया है कि जब आया था लेने के लिए तो उसको हम रोके। सुन रहे हैं चाचा, उनके साथ 4-5 लड़का मिल के गलत भी किया है मकई खेत में। हाँ, वो पुलिस के साथ साथ जब जहाँ जो पुलिस जांच में भेजा था ना उसमें गाड़ी पे, तो उसको जब जांच किया ना तो पुलिस वाले को पास में हमारी रिपोर्ट में भी गया हुआ कि उसके साथ में पहले पति किया होगा, तब उसके पास कोई लड़का लड़कों को साथ में बलात्कार करके तब उसको बेल्ट से मारा था, पीठ देखने का कहूँ नहीं था और गला। देखिए ऐसा ऐसा पति धरती पे है, यही सब पति जो है ना धरती का बोझ है। पत्नी को मारता है, पीटता है, शराब पीता है और दहेज जो है ना इसके कारण जो है पत्नी के साथ क्या कुछ नहीं कर देता है। चाची क्यों, कौन है आप? हम फूलों की मौसी है। फूलों की मौसी है आप? मौसी है। अच्छा, फूलों के साथ ऐसा हुआ आप लोग को पता था? नहीं था पता हम लोग को, कभी सोचे भी थे? कुछ नहीं किए थे हम लोग को। 10 बजे रात में पता चला, मोबाइल में देखे तब हम लोग को पता चला। ऐसा पति दुनिया में होना चाहिए? ऐसा होना भी ना चाहिए। ऐसा वो लड़का को सजा दे, दूसरा लड़का भी देख के सुधर जाएगा, वो भी दूसरी बीवी के साथ ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, लड़का का कहीं और चक्कर था? अभी वो बात नहीं कह सकते, दूसरा जगह चक्कर है कि नहीं है, हो सकता है दूसरा जगह होगा तब नहीं लड़की को मारा। अच्छा, फूलों के साथ क्या क्या हुआ वो बताइए। वही ले गया, गलत भी हुआ है उसके साथ, 4-5 लड़का मिल के, एक लड़का तो ऐसा कर नहीं सकता, उसका बेतरीका से मारा है, ऐसा किसी को भी ना मारना चाहिए मुंह में। पति जो है पत्नी को ले जाता है और 4-5 लड़के को बुलाता है, उनके साथ गलत करता है, फिर उसको ऐसे करके मारता है कि शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, और सोचते हैं तो अंदर से लगता है कांपता है ना। सही बात, ऐसा किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। सब हर इंसान लेडीज को डर हो गया है अब मर्द से। पहले एक बार में जवाब देता था तो बीबी पहुंच जाता है, अब 100 बार भी जवाब लगाता है बीबी शहर के भीड़ में जल्दी नहीं जाता है, उसको डर हो गया। रोजा में थी फूलो? हाँ, रोजा था लड़की। बताइए अब आप लोग, रोजा था। अच्छा, वो लड़का यहाँ पे नहीं आता था क्या? लड़का यहीं पर रहता था, लड़का यही 4-5 महीना से बाहर चला गया था, 3-4 महीना के बाद आया है बाहर से। अच्छा, 4-5 दिन हुए क्या उसको आने से, 6-7 दिन के बाद वो घटने कर दिया। अच्छा, यानी वो पहले धमकी उमकी भी देता था? नहीं, पहले धमकी तमकी कुछ भी नहीं देता था, लड़का यहीं रहता था। जब लड़का वो माँ बाप का ना जाने आने लगा तो उसका माँ बाप सिखाना, यह चीज जो हुआ उसके माँ बाप के घर से हुआ है, लड़का का माँ बाप सिखाया। हाँ, पहले जैसे शादी किया ना तो वो माँ बाप की पसंद से लड़का नहीं किया, अपनी पसंद से लड़का शादी किया। अच्छा, अपनी पसंद से लड़का, अपने पसंद से शादी किया, लड़की दोनों अपनी पसंद से शादी किया है। शादी कितने दिन पहले हुआ था? 3-4 साल हुआ है शादी की। अच्छा, एक बेटी हुआ है, बड़ी वाली बेटी है, जो लड़का हुआ है गोद में वो मर गया है, खाली बेटी है। अच्छा, तो वो कांड जो हुआ है लड़का लड़का के माँ बाप के कानून से हुआ है। अच्छा, सिखाया मर्जी से, जब तक वो माँ बाप के घर पर नहीं गया ऐसा कोई लालच दिया है ना। माँ बाप को घर पर जब जाने लगा ना, जब वो 3-6 महीने के बाद दिल्ली से आया वो तो अपने माँ बाप के घर पर जाने लगा, तो उसको माँ बाप दिल में लालच देने लगा कि बेटे क्या करोगे, गरीब आदमी है, फकीर है, मांग के खाता है, वहाँ पर तुम किस लिए हो, क्या कर लेगा वो तो हमारे केस से मुकदमा से, चलो उसकी लड़की को खत्म कर दो, तुम्हारा अगर शादी करा के कहूँ दहेज उठवा देंगे। इसी लालच से लड़का ले जाके ने वो पॉलिटिक्स से हमारी लड़की को हत्या कर दिया।
अच्छा, आपकी बेटी जो थी अपने बोल रही कि मर्जी से की थी शादी, इसका मतलब लव मैरिज शादी की थी क्या? लव मैरिज शादी किया था उसको मोबाइल में कांटेक्ट किया। सबसे पहले ये समझिए, ये लव मैरिज शादी था, लव मैरिज शादी था, 3 साल हुआ और फिर ऐसा कह सकते हैं कि पति का मन भर गया पत्नी से और पत्नी को बहला फुसला के ले गया कि चलो हम तुमको कपड़ा दिला देंगे, और लेके 4 लड़के को वो पहले से ही मकई खेत में छुपा के रखा हुआ था। ये हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये उनके पापा बोल रहे हैं ऐसा कि 4-5 लड़के को पहले से ही मकई खेत में वो बुला के रखे हुए थे और उनके साथ मारपीट भी किए और उनके साथ गलत काम भी किए, है ना चाचा? हाँ। उसको अच्छा, जब आपकी बेटी लव मैरिज शादी की थी तो आप उनको मना नहीं किए थे? उसको मना किए थे, नहीं मना किए थे। वो लड़का हमको बोला कि हम अपनी जिंदगी के लिए अपने माँ बाप के घर पर नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे घर पर लेंगे। अच्छा। और इसी का जैसे हमारी घर वाली थी ना, उसको बहुत ज्यादा मानता था। जब वो मानने लगी ना, कभी वो हमारे घर वाले को कभी दुख नहीं देते थे। हमारे बच्चे भी जाकर उसको कोई नुकसान भी बात करता था, कोई बात नहीं करता था। उसके बाद हमारे बच्चे को देखभाल बहुत तेजा करता था। अगर हमारे 2 दिन कमाने के लिए नहीं जाते, तबियत खराब हो जाता, किसी से उठा के या चाहे खाता से या चाहे कुछ से निकाल के 10 रुपया करके हमारे बच्चे को। अभी रोना पड़ रहा है ना चाचा, अगर उस टाइम में खोज करते तो आज रोना नहीं ना पड़ता? हे वहाँ खड़ा है, नहीं आज रोना पड़ रहा है ना। अब एक बच्ची भी है उसके साथ, उसके सर से तो माँ का साया हट गया, हट गया। उसके सर पर से भी माँ का साया हट गया। अगर वो दिन हम ये जानते हैं कि आगे चल के हमारे साथ घाट होता, उसको हम यहाँ थोड़ी रहने देते, अब तो हम उसी घंटा निकाल देते। आप लोग की भी गलती है ना? गलती तो हम लोग का कुछ भी नहीं है, बस अब सोचो कि अब क्या करें। उसको जब यहाँ पर आने रहने लगा, जब बहुत रहता है ना ऐसे शादी करके, बहुत अपने अपने बीवी को लेके जिंदगी भर अपना ससुराल में भी गुजार लेते हैं। हम सोचा चलो अच्छा, लेने आया था उसका माँ भी, लेने आया था शादी करने आया था, नहीं गया उसके साथ में। बोला कि हम नहीं जाएंगे, हम ससुराल में रह जाएंगे, जब तुम लोग बोलिए तो हम ससुराल में रहेंगे। और कौन जब जब आपकी बेटी जा रही थी लड़के के साथ, जब लड़का ले गया हाँ। तो आप लोग को कुछ बोल के नहीं गई थी? नहीं, लड़की तो निकली नहीं घर से। पहले वो आया घर में, आया यहाँ पर आन के वो घर में बैठे थे, दोनों हंसी मजाक खूब किया, बच्चे सब भी पैसे तैसे मांगने लगा। तो हम बोले कि देखो पैसे तैसे नहीं मांगो, उसके पास नहीं होगा तब नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद वहाँ गया, वो उधर से आया 2-3 जगह अगना तगना आया, तो हम सोचे चलो बिया भी है दोनों अपने मिल सकता है। उसके बाद हम वो टंकी के पास में पानी पिसल रहा था, दूसरा की मक्की में गाड़ी बोल रहा था, तो उसको हम बंद कर रहे थे। बंद करते करते जब निकले हम, तो लड़की को बोले कि मोटरसाइकिल पर जब चढ़ाने लगा, तो हम बोले कि कहाँ जा रही है, टाइम रोजा खोलने का टाइम हो गया, खाना बनाओगी ना? रोजा में थी। हाँ, रोजा में थी सारे दिन का, रात में बोर में उठाए, उसको भी खाना भी नहीं खा सकी, वो भूखी प्यासी थी। बस उसको बोलता कि नहीं नहीं अब हम थोड़ा सा कता जाने के लिए यहाँ से आ रहे हैं। तो ये बचिया का जो गोदी की थी ना, इसका तबियत खराब था। तो वो लड़का बोला कि दवाई नहीं दिए हो? बोला नहीं नहीं दवाई नहीं दी है। तो बोला चलो हम दवाई भी खींच देंगे। इसको दवाई खींचने के लिए चौक पर हमारे बहाना करके ले गई कि चौक पर चलो तुमको पैसा निकाल के दवाई भी खींच देंगे, कोई त्यौहार का पैसा दे के और तुमको निकाल देंगे घर के तरफ। यह क्या करा कि वहां से निकली घर के तरफ। हमको इतने है कि जो मरने वाला तो मर गया, मार दिया वो, उसको सजा, उसका जो होगा कानून सजा। मरने वाला मर गया, अब एक बेटी तो अनाथ हो गया ना। सुनिए ना, उसकी माँ भी गुजर चुकी थी पहले, उसका हमारी बहन थी, हमारी बेगनी लगती है, तो वो हो गया। उसको पुल प्रशासन पकड़ा है, उसको सजा देगा। लड़का को पकड़ लिया? हाँ, लड़का को पकड़ लिया। अब इनके छप्पर पे तो घर नहीं है ना कुछ है, उनको ऊपर से कोई मदद हो जाएगा तो घर भी उसका बन जाएगा, उनका गुजारना खाने का खर्चा ना कुछ, वो क्या केस लड़ेगा? तो उसका केस तो सरकार ही लड़े या प्रशासन से लड़े, और क्या बोलेंगे हम, यही बात बोलते है। देखिये इधर भी चाची लोग है। चाची आपको पता था? हम लोग का रोटला में नहीं है, देखने आया है मेला, देखने के लिए आई थी। देखिए चाची देखने के लिए आई, आपको चाची पता था? नहीं बोलिएगा, एक औरत के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है और आप लोग मुंह में दही जमा हुआ है इन लोग को। ये लोग बेकार आदमी है, मई दूध में दही जमा हुआ है चाची। हेलो, वो लड़की की मवानी है, अपनी मवानी है, देखिए उसकी मवानी भागता है। बोलेगी नहीं मुंह में दही जमा है, केवल जो है ना मेला देखने के लिए आई है। हाँ, मेला देखने के लिए आई है। वो जो अभी उठ के भागा, वो लड़की के साथ अपनी मवानी है।
चलिए गरीब का सारा कोई दे, बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल गरीब परिवार है, देख सकते हैं आप, छप्पर है एकदम, टीना भी नहीं है, ना ही प्लास्टिक का कुछ है इनके घर पे, और इतना बड़ा हादसा हो जाता है इस परिवार के साथ, ना तो यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन आ रही है, ना ही यहाँ के मुखिया सरपंच समिति कोई नहीं आ रहे हैं, और क्या कहेंगे हम लोग। आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर देखिएगा।